नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, आपने भी अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है, या फिर आप काफी समय से अपने यूट्यूब चैनल को ऑपरेट करते चले आ रहे हो, तो आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आज हमारे यूट्यूब की तरफ से 5 नए अपडेट्स निकल के आए, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से वो अपडेट्स हैं और किस प्रकार से हमारे लिए वो फायदेमंद साबित होने वाले हैं, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का। देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और YouTube समय समय पर कुछ ना कुछ नए नए अपडेट्स लॉन्च करता रहता है, जिससे YouTube को भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और ना ही उसके क्रिएटर को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा का सामना करना पड़े। तो आज भी हमारे पास YouTube की तरफ से 5 नए अपडेट्स हमारे आए हैं। YouTube ने 5 नए अपडेट्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो सबसे पहला जो अपडेट्स निकल गया है YouTube की तरफ से, वो है हैशटैग। जी हाँ दोस्तों, यानी कि YouTube अब एक डेडिकेटेड हैशटैग बनाने जा रहा है, डेडिकेटेड हैशटैग स्टार्ट करने वाला है, जिसके ऊपर आप सारे के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक हुआ, कोई भी हमारी ट्रेंडिंग न्यूज हुई, या फिर आप हैशटैग लगाकर जो भी चीज सर्च करना चाहो, वो सारी की सारी चीजें आपको यूट्यूब के हैशटैग के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। डेडिकेटेड हैशटैग यूट्यूब ने लॉन्च कर दिया है अब, यानी कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको कोई भी सर्च करना होगा तो आपको हैशटैग का इस्तेमाल करना होगा। उससे सारी की सारी जो भी वीडियोज हैं, जो भी रिलेटेड वीडियोज हैं जिसके अंदर वो हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है, वो सारी की सारी चीजें आपके सामने शॉर्टलिस्ट कर दी जाएंगी। फिल्टर आप उसके अंदर लगा सकते हो, लेटेस्ट चीजें आपको देखने को मिलेंगी और ट्रेंडिंग जो भी वीडियोस उसके ऊपर अपलोड किए गए हैं, वो सारी के सारी चीजें आपको हैशटैग लगाने से आपको सारी के सारी चीजें आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो यूट्यूब ये हैशटैग बिल्कुल स्टार्ट करने वाला है और हैशटैग अब हमें हमारे वीडियोस के अंदर लगाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया है। इसी से हमारे वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होने वाली है। हम हमारे वीडियोस के टाइटल के अंदर एक हैशटैग लगा सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 4 से 5 हैशटैग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगले हमारे नए अपडेट्स की अगर हम बात करें तो मिड रोल एड से संबंधित हमारा एक नया ही अपडेट निकल गया है। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अगर हमें मल्टीपल एड हमें लगाने हमारे वीडियोज के अंदर, तो हमारा वीडियोज 10 मिनट से अधिक हमारा होना चाहिए, तब भी हम हमारे वीडियोस के अंदर मल्टीपल एड हमारे लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पाकर हम ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब से इनकम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब यूट्यूब ने ये क्लियर कर दिया था हमारे सितंबर के अंदर, जुलाई या सितंबर के अंदर हमारे मिड रोल एड का हमारा नया अपडेट निकल के आया था, कि अगर आपका वीडियो 8 मिनट से बड़ा है तो आप अपने उस वीडियोज के अंदर मिड रोल एड सेट कर सकते हो और मल्टीपल एड्स आप उसके अंदर लगा सकते हो। लेकिन अब जो नया अपडेट निकल गया है वो यूट्यूब की तरफ से निकल गया है कि अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है और आप एक यूट्यूबर हो, तो आप अपने मोबाइल के द्वारा अपने मिड रोल एड को सेट कर सकते हो, बिल्कुल जिस प्रकार से आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि इस प्रकार से आपका ये हमारा एक नया ही फीचर्स आपको मोबाइल के अंदर आप बिल्कुल सेट कर सकते हो और उसके ऊपर क्लिक कर ऑटोमेटिकली आप अपने प्रत्येक वीडियो के अंदर जो कि 8 मिनट से अधिक है उसके अंदर मिड रोल सेट कर सकते हो, मिड रोल एड आप उसके अंदर बिल्कुल एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे आपके वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे और आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यानी कि ये फीचर्स काफी अच्छा है उन क्रिएटर के लिए जिनके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो वो मोबाइल के द्वारा भी इस फीचर्स की हेल्प से अपने 8 मिनट से अधिक वीडियोस के अंदर बिल्कुल मिड रोल एड सेट कर सकते हैं और यूट्यूब से ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। अगले अपडेट्स की अगर हम बात करें तो यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर हमारा एक नया ही अपडेट्स लॉन्च किया गया है यूट्यूब की तरफ से, कि यानी कि जो भी हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोज अपलोड किए जाते थे उसके ऊपर हमें किसी भी प्रकार के ट्रैफिक का सोर्स हमें नहीं पता लगता था कि जो वीडियोज के ऊपर व्यूज आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। तो यूट्यूब ने अब ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप भी यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से वीडियोस अपलोड करते हो तो आपको अब आपके एनालिस्टिक में जाकर आप अपने YouTube शॉर्ट्स वीडियोस के ऊपर सारा का सारा ट्रैफिक आप देख सकते हो कि कहां से आपको वॉच टाइम आवर मिल रहा है,
कहां से आपको व्यूज की प्राप्ति हो रही है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप सारी की सारी एनालिस्टिक के अंदर जाकर आप यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस के बारे में जान सकते हो। अगले चौथे अपडेट्स की अगर हम बात करें तो यूट्यूब की नई पॉलिसी हमारी बिल्कुल लॉन्च कर दी गई है, जो कि एडल्ट कंटेंट को लेकर हमारी बिल्कुल बदलाव की गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो भी कोई भी वीडियोस अगर एडल्ट कंटेंट के ऊपर यूट्यूबर अपलोड करता है तो पहले तो क्या करता था, यूट्यूब उसको कम्युनिटी गाइडलाइन के विरुद्ध स्ट्राइक प्रोवाइड करता था और फिर दो या तीन बार उसको स्ट्राइक देने के बाद में फिर उसका चैनल सस्पेंड करता था। लेकिन अब जो हमारी नई पॉलिसी हमारी यूट्यूब की तरफ से आई है एडल्ट कंटेंट को लेकर, कि अगर आप अपने वीडियोस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एडल्ट कंटेंट अपलोड करते हो और अगर आपकी ऑडियंस आपके खिलाफ रिपोर्ट करती है तो आपकी फर्स्ट टाइम ही आपके किसी भी प्रकार का कोई भी पनिशमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार के आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक नहीं दी जाएगी, आपका चैनल डायरेक्टली सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इस प्रकार के कोई भी कंटेंट अपने वीडियोस के अंदर अपलोड करते हो, अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हो, तो आज ही से उसको करना बंद कर दीजिए। कहीं आपकी रिपोर्ट कर दी गई तो आपका चैनल तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगला जो पांचवा अपडेट से निकल गया है वो किसी प्रकार का, ये मान लीजिए हमारों के केवल यूट्यूब ऐप के अंदर थोड़ा सा हमारा नोटिफिकेशन का बदलाव किया गया है, जिस प्रकार से आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, यानी कि जो नोटिफिकेशन बेल जो हमारी पहले टॉप में आती थी वो अब हमें नीचे हमारी डायरेक्शन उसका चेंज कर दिया गया है। यही कुछ पांच नए बदलाव हमारे यूट्यूब के अंदर हमारे आए थे, यही कुछ पांच अपडेट्स हमारे यूट्यूब की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च किए गए थे। सोचा वीडियो बनाकर क्यों ना आप सभी को एक साथ बता दी जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना